अगली खबर आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर, जो सहायिका एकता यूनियन सीटू निरंतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत कराती रहती हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान नहीं जा रहा। यह आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाते हुए अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा अपने हिस्से के मानदेय में की गई अनुचित कटौती का आदेश तुरंत निरस्त करें एवं अक्टूबर 2018 से काटी गई राशि का एरियर सहित तुरंत भुगतान करें। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों ने मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की तुरंत मरम्मत कराई जाए तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली पानी आदि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे, जहां उनकी जान का खतरा बना रहता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से सभी लंबित वेतन और सभी भत्तों का तुरंत जारी किए जाएं और मजदूरी का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी अन्य मांगों को लेकर क्या कहा है। उषा आशा सहयोगनी एकता यूनियन से जिला अध्यक्ष रंजना द्विवेदी बोल रही हूँ। हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है कि हम लोग की सरकार सुन नहीं रही है। काम सिर्फ शुरू से लेके अंत तक का सिर्फ आशाओं का रहता है और फिर बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जबकि फील्ड में काम हर वक्त रात दिन बराबर आशाएं करती हैं। अब हम लोग सरकार यदि अपने मन का करती है तो अब हम लोग अपने मन का करेंगे और सरकार के खिलाफ ऐसे ही एक हफ्ते का आंदोलन चलेगा और हम लोग अपने लड़ाई के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी हम लोग की मांगे है कि जो मानदेय न्यूनतम वेतन बढ़ाएं, हम लोगों के काम का जो सही दाम है वो हम लोग को पैसा मिलेगा, मानदेय मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। हम लोग को कोई सुविधा भी अभी तक नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार के ना आशाओं को कोई बीमा मिलता है, न डिलीवरी, किसी भी प्रकार का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ जो काम करते हैं उसका दाम मिलता है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक सुनिश्चित मानदेय चाहिए। पूरे प्रदेश स्तर का धरना जी, हमारा आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है आज पूरे देश में चल रहा है, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा आज सारे जो जिन मुद्दों को लेके है वो प्रधानमंत्री से संबंधित भी हैं कि सरकार हमें किसी तरह से कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, ना न्यूनतम वेतन दे रही है, ना तो जो श्रम सम्मेलन में निर्धारित हुआ था 45 में और 47 में कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, ये दिया जाए, तो वो नहीं दे रही है। और राज्य सरकार से भी हमारी जो लड़ाई है वो है, उनके लिए भी हमारा ज्ञापन है। और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो भारत सरकार है, वो दोनों का एक जो पोषण ट्रेकर शुरू किया है, वो पोषण ट्रेकर में कोई भी सुविधा नहीं देते हुए वो ज़बरदस्ती काम करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी की कोई कमी रह जाती है, मोबाइल नहीं है, अब परिवार में बच्चों के पास है, कैसे तैसे करके वो काम कर रही है, लेकिन अब वो मोबाइल तो बच्चे लेके चले जाते हैं, तो वो ट्रैक करने का भी काम उनने शुरू कर दिया है कि 9 बजे जो है वो केंद्र खोलो और आप उसके अंदर जाओ और फिर 4 बजे उससे बाहर निकलो। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, ना तो उन्होंने मोबाइल दिया और ये सारा करवा रहे हैं। उसके साथ में बहुत सी उसमें असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक किसी तरह से वो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित ना करें, उनको पनिश ना करें, उनका मानदेय काट रहे हैं, सेवा समाप्त कर रहे हैं, ये सारा जो इन्होंने बना रखा है सारा, तो इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और सरकार जो है, मोदी जी जो हैं, उन्होंने 92 एपिसोड में जो बोला है मन की बात में कि जो कुपोषण है वो भजन करने से ख़त्म होगा और मध्य प्रदेश में भजन करवाया जा रहा है और कुपोषण दूर किया जा रहा है। तो यदि भजन करने से ही कुपोषण दूर होना है तो सारे खाने पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे लोग भजन करने लगे। तो हमारी मांग ये है कि सारे ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं इसको ख़त्म करें और बच्चों के लिए अच्छा पोषण आहार दें और उनकी देखरेख के लिए अच्छी व्यवस्था दें
ये हमारी मांग है सरकार से, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन दे। जब तक न्यूनतम वेतन सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो न्यूनतम वेतन दे। और जो रिटायरमेंट पे माने मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2018 में 8 अप्रैल को कि उनको रिटायरमेंट पे 1,00,000 रुपये कार्यकर्ता को, 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, वो आज तक नहीं लागू किया। सारे लोग खाली हाथ जो है अपने घर जा रहे हैं। आज उनकी कंडीशनें बहुत ख़राब हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो भीख मांगने की स्थिति में, और अभी इस उम्र में तो भीख भी नहीं मांगी जाती। और देखिए, खाना भी लगता है, रोटी भी लगती है, कपड़ा भी लगता है, दवाई भी लगती है, लेकिन है कुछ नहीं। तो सरकार ने इस तरह से निहत्था कर दिया है, भिखमंगा बना दिया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम पेट चलाने के लिए उनको कुछ पेंशन तो दे। ये किशोरी वर्मा, प्रदेश महासचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक एकता यूनियन।